हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं काजू और पनीर की सब्जी, जो बहुत ही सिंपल सी है लेकिन उतनी ही टेस्टी है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ मैंने दो बड़ी साइज़ की प्याज ली है, जिसे हमें भून लेना है। हमें इस प्याज को तेल डालकर करीब 5 से 6 मिनट तक भून लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से कैरामलाइज्ड हो जाए। थोड़ा समय लगता है इस पर, मीडियम से हाई फ्लेम पर आप इसे भून ले। देखिए, यही कलर हमें चाहिए, अब हमें इसे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ स्लाइस ली है नारियल की, सूखा जो नारियल होता है, जिसे खोबरा भी कहते हैं। यहाँ मैं मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, इतना मसाला हमें ग्रेवी में यूज़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टोमेटो, ये खट्टे नहीं हैं टोमेटो। अब हमें इसे ढककर थोड़ा सा पका लेना है, सॉफ्ट हो जाए ताकि। अब हमें प्याज, नारियल, ये तीनों को एक साथ, उसके बाद थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, इसमें मैं कुछ काजू के पीसेस डाल रही हूँ ग्रेवी में। अब हमें इसे ढककर पकाना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ सूखी मिर्ची डाली है, जिससे कलर अच्छा आएगा। अब हमें ये जो मसाला हमने पीसा है, इसे हमें मिक्सर में एकदम बारीक पीस लेना है, फाइन पेस्ट बना लेनी है इसकी। अब मैंने यहाँ तेल गरम करने के लिए रखा है, इसमें हमने मसाला डाल दिया है, जो पीसा हुआ मसाला था। हमें अपनी मात्रा अनुसार ही मसाला डालना है, मैंने पूरा मसाला यहाँ नहीं डाला है। अब इसमें ऊपर से हमें डालना है तेजपत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, उसके बाद लौंग और काली मिरी, और एक चक्रफूल डाला है हमने मसालों को। ये जो सूखे मसाले हैं, तेजपान वगैरह, इसमें तेल में इसीलिए नहीं डाला, क्योंकि अगर हम तेल में डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं, हमें इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं चाहिए। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें बटर, अच्छे से मिला लेना है, बटर भी ग्रेवी में अच्छे से मिल जाएगा। अभी हमें इस मसाले को करीब 7 से 8 मिनट, जब तक ये तेल पूरी तरह से छोड़ ना दे, तेल और बटर, तब तक हमें इसे पकाना है। कुछ समय तक इसे खुला पकाना है कंटिन्यू चलाते हुए, और कुछ समय ढक कर रखना है। अब करीब 2 से 3 मिनट तक मैंने ढका था इसे, फिर से हमें इसे चला लेना है अच्छे से, और ढक दिया है ऐसा करीब। ये देखिए, जो नीचे लग रहा है इसे हमें निकालना है। ये देखिए, हमारा मसाला पक चुका है, धीरे धीरे तेल छोड़ रहा है। अब हमें इसमें डालना है अपने आवश्यकता अनुसार लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है कलर के लिए। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे से पक चुका है। थोड़ी सी हल्दी डालना है हमें, उसके बाद यहाँ डाले हैं कुछ काजू के पीसेस, क्योंकि हम काजू पनीर की ग्रेवी बना रहे हैं। अब मैंने इसी में काजू को भूनना है करीब 2 से 3 मिनट तक। देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आया है मसाले को भी। अब डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, उसे भी ढककर पका लिया। अब थोड़ा सा हमें पहले पानी डालना है, फिर से ढककर पकाना होगा। हमें जितना पानी चाहिए, कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए, उस हिसाब से पानी डालकर ढककर रख दे। देखिए, ग्रेवी पक चुकी है। अब हमें इसमें डालना है क्रश की हुई कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला,
जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाता है उसमें डालना है स्वादानुसार नमक। नमक को भी मिला लिया। देखिए ग्रेवी हमारी उबल चुकी है। अब यहाँ मैंने लिए है करीब 250 ग्राम पनीर लिया है, चौकोन पीसेस में कटा हुआ। मैंने इसे फ्राई नहीं किया है। अब हमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं पकानी है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे तुरंत गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अगर हम इस स्टेज पे पनीर को ज़्यादा पकाते हैं तो वो चिवी चिवी हो जाता है। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। काजू पनीर की ग्रेवी जो है वो तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू चल रही है। आप ज़रूर इस रेसिपीज़ को ट्राई करें और पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।